हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बोई वर्मा। तो स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम कर रहे हैं जीके के टॉप 500 क्वेश्चन। तो यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, यानी कि वर्ल्ड की मोस्ट रेन कहाँ पे होती है? तो यह होती है मासिनराम में, जो कि है मेघालय में। एंड यहाँ पे क्या, बंगाल की खाड़ी की वजह से बहुत ज़्यादा नमी है। एंड यह नमी जब 1491 मीटर ऊंची खासी की पहाड़ियों में संघनित होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या औसतन 11891 मिलीमीटर में बारिश होती है। एंड दुनिया का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है चिरापुंजी। एंड ये भी क्या मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी कि अर्थ के सबसे नीरेस्ट स्टार कौन सा है? तो सबसे नीरेस्ट स्टार वैसे तो है सूर्य, बट ये ऑप्शन में दे नहीं रखा। तो सूर्य के बाद सबसे निकट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गई हैं, यानी कि ऐसा कौन सा इंडियन है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए? तो ये हरमनप्रीत कौर, जिसकी ICC रैंकिंग है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एशियाई खेल किस शहर में हुए थे? तो पहले एशियाई खेल शुरू हुए थे नई दिल्ली में, जो कि 1951 में हुए थे। एंड एशियाई खेल हर 4 साल के अंतराल में होते हैं, एंड इनको रेगुलेट करता है AGF। एंड पहले एशियाई खेल का प्रसारण करने के लिए कलर TV को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभांकर होगा, यानी कि 2022 विंटर ओलंपिक्स के लिए मास्केट क्या होगा? तो यह होगा स्माइल करता हुआ पांडा, एंड इसका नाम है बिग ड्रैवन ड्रैवन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, एंड गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में। एंड इसमें जो नर्मदा रिवर है, यह निकलती है अमरकंटक पठार से। एंड सिंधु नदी निकलती है मान सरोवर लेक से। एंड यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो लोगों को मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है? तो मौसम की स्थिति के बारे में जानना किसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे अपने कृषि से रिलेटेड योजनाएं मौसम की स्थिति के अनुसार ही बनानी होती है। तो इसके लिए तेलंगाना सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया TS वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि हु इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन, जो कि है फिनलैंड की प्रधानमंत्री, एंड इनकी आयु है 34 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? तो यह लोकेटेड है जनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। एंड इसकी स्थापना करी गई थी 1919 को, एंड इसके करंट डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, करंट डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियन का सदस्य नहीं, यानी कि विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन? तो एशियन, जिसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें क्या टोटल 10 परमानेंट मेंबर है, एंड इसमें क्या भारत इसका मेंबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कभी किसी देश का गुलाम नहीं बना? तो इसमें से नेपाल ही एक ऐसा देश है जो किसी देश का गुलाम नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, यानी कि निम्न में से कौन सी स्टेट है जिसने कंप्लीट बैन इम्पोज कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस पे फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस? तो ये बैन इम्पोज किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से श्री मद भगवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है?
तो श्री मद भगवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पीडीसी टी10 लीग 25 जून 2020 से शुरू होगी? तो पीडीसी टी10 लीग 25 जून 2020 से शुरू हो रही है श्रीलंका में, एंड इस टूर्नामेंट को क्या 12 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। एंड श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, एंड श्रीलंका की कमर्शियल राजधानी है कोलंबो। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड कमेंट करें आपका आज की वीडियो में क्या स्कोर रहा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।